हाय एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट वीडियोस में मैंने आपको ऐप इंस्टॉल की, एंड्रॉयड ऐप और आईओएस ऐप दोनों को इंस्टॉल करने की जो हम कैंपेन चलाते हैं वो मैंने बनानी बताई कि आप किस तरह बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको उनका परफॉर्मेंस एनालिसिस करके बताऊंगा कि किन किन चीज़ों को, कौन कौन सी केपीआईज आपने देखनी होती है जो आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करने में हेल्प कर रही होती हैं, जो आपकी एक्सक्लूजन लगाने में हेल्प कर रही होती हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कॉलम पे क्लिक करते हैं, मॉडिफाई कॉलम करते हैं। मॉडिफाई कॉलम करके हम क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे ऐप, ठीक है। अब अगर तो आपका, क्योंकि मैं अभी आपको बता रहा हूँ ऐप इंस्टॉल के बारे में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर ऐप इंस्टॉल, ठीक है, ऐप इंस्टॉल, बल्कि हमने गोल रखा हुआ है उसका, ये हमारे पास इंस्टॉल आ गए, हमने गोल रखा हुआ है उसका जो हमारी ऐप इंस्टॉल का बाय डिफॉल्ट, तो वो कन्वर्जन में भी ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो रहा होगा कि क्योंकि हमने उसको एज अ गोल रखा है, कंसीडर किया है, तो वो कन्वर्जन का जो सेक्शन है उस पर अनेबल हो रहा होगा, हमारी कैंपेन की कन्वर्जन ऐप इंस्टॉल उधर कन्वर्जन में भी ट्रैक कर रहा होगा। इसके अलावा मैंने ये इंस्टॉल्स का सेक्शन भी इधर ऐड कर लिया, ये देखें, ठीक है, इधर भी आपको शो होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इंप्रेशंस, कि आपकी कैंपेन सर्व कर रही है उस पर इंप्रेशंस आ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। मैं साथ साथ नोट करता जाता हूँ इधर, ताकि आपको आपने केपीएस क्या देखनी है। ठीक है, केपीएस आपकी क्या होगी, सबसे पहले होगा इम्प्रेशन, ठीक है, इम्प्रेशन आ रहे हैं कि नहीं। अगर तो इम्प्रेशन आ रहे हैं तो इसका मतलब आपकी कैंपेन ने स्पेंडिंग स्टार्ट कर दी है। इम्प्रेशन के बाद आपने क्या देखना, दूसरा क्लिक्स, कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं, ठीक है। अगर तो आपकी कैंपेन पे इम्प्रेशन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, क्लिक्स बहुत कम आ रहे हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपने राइट लोगों को, जो आपकी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको टारगेट किया है कि नहीं, ठीक है। तो आपने अगर इस तरह का सेम इशू आ रहा है, तो आपको पहले वो ऑडियंस ठीक करनी है, ठीक है। ये इंस्टॉल क्लिक्स ऐड करने के बाद फिर आपने चेक करना है कि आपका सीटीआर क्या आ रहा है, क्लिक थ्रू रेट ज़्यादा है कम है, क्या सीन है उसका, ठीक है। उसके बाद आपने कन्वर्जेंस चेक करनी है, कन्वर्जेंस या इंस्टॉल, ये आपको इंस्टॉल कितने पड़ रहे हैं। उसके बाद आपने ऐप कॉस्ट पर इंस्टॉल चेक करनी है कि आपको कॉस्ट पर इंस्टॉल कितनी पड़ रही है, ठीक है। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो आपने एक्सक्लूड कर देनी है वो ऑडियंसिस जो आपको इंस्टॉल नहीं ला के दे रही बट स्पेंडिंग कर रही है, ठीक है। अगर तो कम पड़ रही है देन ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपने जो आर्टवर्क्स हैं, क्योंकि अभी के लिए मैंने क्या किया, मैं जब इस पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो मैं आता हूँ एसेट्स के अंदर। एसेट्स के अंदर आपको सिर्फ मेरी ऐप का डाटा मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये देखें, ये मेरे एसेट्स आ रहे हैं, ठीक है। एसेट्स के मतलब मेरी हेडलाइन, मेरे डिस्क्रिप्शन, जो मैं इमेजेस भी अपलोड करूंगा वो भी इधर आएंगी, ठीक है। तो आपने कॉलम ऐड करके इधर देख लेने हैं कि जो जो एसेट्स आप, एसेट आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपने उसको रखना है, बाकियों को आपने एक्सक्लूड कर देना, रिमूव कर देना आपने, ठीक है। अभी के लिए क्या, अभी मेरी कैंपेन ने स्पेंडिंग स्टार्ट नहीं की, इस वजह से आपको ये अभी कुछ डाटा नज़र नहीं आ रहा, अंडर रिव्यू नज़र आ रही है, ठीक है। तो आप इस बेस पे भी कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं, सीटीआर क्या है, इंप्रेशन क्या है, उसके बाद आप इसके अलावा भी कॉलम ऐड कर सकते हैं, ये परफॉर्मेंस के, कॉस्ट कितनी स्पेंड हुई है आपकी, सीपीसी कितना मिला आपको, उसके बाद इंस्टॉल, उस पर इंस्टॉल किया है जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया, कन्वर्जन पर इंस्टॉल, ठीक है, ये एक इंस्टॉल, बल्कि ये कोर्स पर इंस्टॉल आएगा, ठीक है, नहीं कोर्स पर इंस्टॉल नीचे है। उसके बाद ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं यहाँ से कि आप, आपको क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप उस हिसाब से फिर इसको एक्सक्लूड भी इनको कर सकते हैं। तो ये ऑप्टिमाइजेशन आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। इसके अलावा अगर आप रेलिवेंट लोगों को टारगेट नहीं कर रहे, रेलिवेंट लोकेशन को टारगेट नहीं कर रहे, तो आप उनमें भी जो नॉन परफॉर्मिंग है उनको एक्सक्लूड कर सकते हैं। तो इस तरह एक्सक्लूजन लगा के ये चीज़ें आप, ये
केपीआईज देख के आप अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, आप कोस्ट पर इंस्टॉल इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज आपकी पहले कोस्ट पर इंस्टॉल पड़ रही थी 60 रुपये, ठीक है, आपने ऑप्टिमाइजेशन की, वो एक लोकेशन थी या एक कुछ कीवर्ड्स थे या ऑडियंसिस थी वो आपको ज्यादा स्पेंडिंग कर रही थी आपकी, बट पर इंस्टॉल नहीं ला के दे रही थी, आपने उसको एक्सक्लूड कर दिया, उसकी जो कॉस्ट है वो सेव हो जाएगी, वो आपकी जो परफॉर्म कर रही है उनमें यूटिलाइज होगी। जब उनमें यूटिलाइज होगी तो आपको फिर अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, कॉस्ट पर इंस्टॉल जो है आपकी वो रिड्यूस होती जाएगी। तो इस तरह आप अपनी कैंपेन का परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं इन केपीएस को देख के। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक, मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते जाएं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।